कैमरा बंद करें। एक मिनट मेरी बात नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना आपका, देने के लिए नहीं यहाँ पे बैठी हुई। मामला क्या है बेटा, हमें बताए तो सही, खूबसूरत है, नौजवान है, सारे मामला है, मसला क्या है, परेशानियाँ क्या हमारी। छोटी उम्र में ही अबू ने शादी कर दी मेरी, बस जब तक उसका चलता रहा वो चलाता रहा। ठीक है, आप अकेली हो? मेरी खाला के बेटे ने भी मुझे बदतमीजी करने की कोशिश की। अभी ये बच्ची कहे और बाश नौजवान इसको यशियों के लिए ले जाएंगे, बेटी के सर के ऊपर हाथ रखने के लिए इसको कोई नहीं लेके जाएगा। खाला और खालू शादी पे गए हुए थे इधर जोहर टाउन में, तो घर में था तो मुझे कहता है प्लीज कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं आरएनएन डिजिटल मीडिया। नाज़रीन मैं इस टाइम एक बस स्टैप के ऊपर मौजूद हूँ। बेसिकली हमारा काम ये होता है, मैं आपको बताता चलूँ कि हमें कोई बेटी, कोई बहन, कोई चौक चौराहे में लड़की नज़र आए तो हम उसको वाच करते हैं, देखते हैं, हम उसको घर गृहस्थी करवाते हैं, हम उसको कारोबार करवाते हैं। बेशुमार बेटियाँ रोडों पर, बच्चियाँ रोडों पर बैठी हुई, हमें अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता, हमारी फाउंडेशन है तो हम कोशिश करते हैं कि हेल्प हो जाए। नाज़रीन यहाँ पर एक लड़की नौजवान बैठी है, पिछले 3 दिन से मेरा गुजर हो रहा है, वो क्या करती हैं, क्या मामला माजरा है, वो घर से क्यों भागी हुई हैं, कैसे आई हैं, क्या करती हैं, आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, मेरे साथ रहिए। बेटा हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। बात सुने, आप कैमरा बंद करें। एक मिनट मेरी बात सुने। मैंने कुछ नहीं सुना आपका, मैं कह रही हूँ ना आप जा, मैंने नहीं बात करनी, बस बात सुने। मेरी बहन है आप हर रोज यहाँ पर बैठी होती है। कैमरा बंद करें आप। कैमरा बंद नहीं होना, हम आपका इंटरव्यू करने हैं, दुनिया को दिखाने हैं कि क्या देना। मैंने कुछ नहीं करना, मैं इंटरव्यू देने के लिए नहीं यहाँ पे बैठी हुई। मामला क्या है बेटा, हमें बताए तो सही। कोई मामला नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, जाए अपना काम करें। देखें आप माशाल्लाह खूबसूरत है, नौजवान है, सारे मामला है, मसला क्या है, परेशानी है क्या, हमारी फाउंडेशन है। कोई मसला नहीं है, मुझे कुछ हमारी बात सुन, कैमरा बंद करें, मैं कह रही हूँ ना कैमरा बंद करें। आप बताएं मुझे मामला क्या है, कुछ भी आप इधर क्यों बैठी हैं। मैं पिछले एक हफ्ते से तकरीबन जब भी मेरी नज़र पड़ी है मैं देखता हूँ, मामला क्या है। देखें आप परेशान ना हो, आप हमारी बहनों जैसी हैं, मामला क्या है। कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं, कैमरा नहीं, नहीं बताओ तो सही ना, हुआ क्या है बेटा, आप हैं कौन, कहाँ से आई हैं, मामला क्या है। माशाल्लाह अकेली बैठी हुई है, रात का टाइम है, रात के 9-10 बजे का टाइम है और ऊपर से सर्द रात है, मामला क्या है। आप मुझे सच्ची बात बता दें, कोई मसला नहीं, इंसान है, गलतियाँ भी हो जाती, मामला क्या है। 3 बहनें हैं, 1 भाई है, 4 बहन भाई हैं। हम अम्मी फोत हो गई है छोटी उम्र में ही, अबू ने शादी कर दी मेरी, तो बस 3 बच्चे हैं मेरे और हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया, उसने मुझे छोड़ दिया, बस जब तक उसका चलता रहा वो चलाता रहा। ठीक है, अब आके उसने किस उम्र में शादी हुई, किसने की? 16 साल की उम्र थी जब मेरी शादी हुई थी। अच्छा बेटा आप डरे ना, रोए ना, आपको काम शाम करती हैं? काम नहीं करती को कारोबार? कुछ भी नहीं करती मैं। अच्छा कारोबार नहीं करती तो बेटा यहाँ पे क्यों बैठे रहती हैं, अल्लाह ना करे रात का टाइम। उसने मुझे डिवोर्स दे दिया है। कब से? 2 साल हो गया, खाला के घर पे रह रही थी। तो बच्चे किधर हैं? उसके पास ही हैं। आपके बच्चे? अब आपके पास कोई बच्चा नहीं, आप अकेली हो? नहीं तो मुझे ये बताएं, हम आपको सिलाई कढ़ाई का काम सिखा देते हैं, आप काम करें, काम सीख लें, अपना काम करना शुरू कर दें। जी ठीक है, मैं बस मजबूर हो गई हूँ, ये दुनियादारी इतनी ख़राब है, मैं आपको क्या बताऊँ, ये दुनिया ठीक नहीं है। मैं इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि बेटा रात का टाइम है, आप बैठी हुई हैं, मामलात हैं यहाँ पर, तो नोचने वाले वैसी जानवर हैं जो कि इंसान को नोचते हैं, नोच खाते हैं। मेरी खाला के बेटे ने भी मुझे बदतमीजी करने की कोशिश की, मैंने खाला को बताया, खाला इनके घर में रहती हो, खाला ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया, कोई कपड़े नहीं दिए, कुछ नहीं, जैसे थी मैं वैसे ही बाहर निकल आई हूँ सुबह से। आप परेशान ना हो, हम आपके सर पे हाथ रखते हैं, हम आपको सिलाई कढ़ाई का काम सिखा दें, हम अपनी फाउंडेशन में आपको ले जाते हैं, आप काम कर लेंगे। आते हैं कोई काम? पड़ी हुई है? मुझे कुछ नहीं आता। पड़ी हुई है? 5 पड़ी हूँ बस। नहीं तो सिलाई का काम नहीं कर लेंगे अगर हम आपको मशीन ले दें सिलाई का? आता नहीं, आता कुछ भी नहीं आता। अच्छा अगर कोई नौजवान आपको अपने घर में ले जाए, आपके साथ शादी कर ले, आप अपना घर बसा ले? कोई किसी से नहीं करता, ये सारी दुनिया एक जैसी है, कोई भी नहीं करता किसी से। नहीं देखें हर बंदा एक जैसा नहीं होता, ईमानदार दुनिया भी है और भी मामलात है, कोई नेक बंदा अल्लाह का बरगजीदा बिल्कुल नौजवान बच्ची है, अभी इसकी उम्र 22-23 साल है,
नाज़रीन हमारे माशरे की बेइज्जती चेक करें, हमारे माशरे जा किस तरफ रहा है। अभी ये बच्ची कहे ओबाश नौजवान इसको यशियों के लिए ले जाएंगे, बेटी के सर के ऊपर हाथ रखने के लिए इसको कोई नहीं लेके जाएगा, इसको सहारा देने के लिए कोई भी नहीं आगे आएगा, इसको अपनी घरवाली बनाने के लिए नहीं आएगा बल्कि इसके साथ सिर्फ रात गुजारने के लिए आगे आएंगे। किस तरफ जा रहा है हमारा बेटा? मुझे आप ये बताएं कि अगर आप शादी कर लें, घर में बसा दें, आपको किसी के साथ भेज दें निकाह पढ़वा के फीस भी नहीं ला, तो आप जानना चाहेंगी? खाला को छोड़ दें, पहले वाले हस्बैंड को दफ़ा मारें, जो हुआ सो हुआ बेटा, ज़िंदगी का आगाज़ किसी भी जगह से हो सकता है, तो क्या आप अपना घर बसा लेंगी? मुझे कोई अच्छा शख्स मिले, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई अच्छे शख्स हैं, कोई घर बसाने वाले, कोई ये देखने वाले कि एक मज़लूम औरत है, एक बेसहारा औरत है, या इसको हम सर छत देते हैं, इसको दो टाइम का खाना देते हैं, एक औरत है वो घर का सब काम करती है, बदले में क्या मांगती है? सिर्फ दो वक्त का खाना, और क्या करती है सारा दिन? वो सुबह उठती है, नाश्ता तैयार करती है, बच्चों को खिलाती है, स्कूल भेजती है उनको, बाद में शोहर की खिदमत करती है, कपड़े धोती है, सिलाई करती है, सारा कुछ करती है, बदले में क्या मांगती है? सिर्फ दो टाइम का खाना, और वो भी इन जालिमों के पास नहीं होता। अच्छा मेरी बात सुनो, खाला के बेटे ने जब आपकी इज्जत को दागदार किया, हुआ क्या था उस दिन, मामला क्या पेश आया था? खाला और खालू शादी पे गए हुए थे इधर जोहर टाउन में, तो घर में था तो मुझे कहता है प्लीज़ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नाज़रीन खाला जात भाई भाई होते हैं, बहनों की इज्जत को दागदार नहीं करते, लेकिन उस वैशी ने बहन की इज्जत को भी दागदार कर दिया। अब मैं आपको अपने माशरे की बेइज्जती क्या बताऊं, शर्म से सर झुका दिया है उस दरिंदा सिफत ने इस बच्ची की इज्जत और आबरू को पमाल करके। बस नाज़रीन अब आप फैसला खुद करें कि हमारे माशरा किस तरफ जा रहा है, हमारे माशरे को क्या चाहिए। बेटा अगर कोई मुखय्यर हज़रात आपको मशीन ले दे, आपके साथ निकाह पढ़ लें, आपको घर में इज्जत दे, तो आप आ जाएंगे घर में उनके? कोई किसी से नहीं करता, कोई भी नहीं करता किसी से। मैं अपनी सकी खाला के घर रह रही थी, उसने भी मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। खाला के बेटे ने जब आपके साथ बदतमीजी की, आपने खाला को बताया था? मैंने बताया था, खालू को भी बताया था, लेकिन उन्होंने यकीन ही नहीं किया। वो कस्में उठा रहा था, झूठी झूठी कस्में उठा रहा था वो। नाज़रीन इस बच्ची को डिवोर्स होने के बाद अपनी खाला के घर में नागजीन होती है, वहाँ से इसको धक्के ठुड्डे मिलते हैं और ये बच्ची रोड के ऊपर आ जाती है। अब ये अकेली तन तनहा, अल्लाह ही बेहतर जानता है, जवान लड़की है, खूबसूरत है, और इस टाइम रात के 10 बजे का टाइम है। मेरे अबू खुद भाई के मोहताज है, हमारा घर में सब कुछ ठीक ठाक है, खाला भी सारे अपने अपने घरों में बहुत अच्छे हैं, लाहौर में रह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो बस मेरे लिए किसी के पास कुछ भी नहीं है, दो वक्त का खाना भी नहीं है, घर का काम करके सारा कुछ करके। आप रोए ना, आप रोए ना, हम आपको लेकर जाएंगे, अपने साथ रखेंगे इंशाल्लाह, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको सिलाई कढ़ाई का काम, हम आपके लिए रिश्ता ढूंढ कर देंगे। मेरे व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा मर्द मुझे रोज़ाना, मुखय्यर मर्द जो कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आपको अपना घर गृहस्थी में लेकर जाएंगे, इज्जत देंगे, अपनी घरवाली बना लेंगे। नाज़रीन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस बच्ची के लिए अगर आप रिश्ता करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ रब्ता, आप मुझे अपना नंबर बता दीजिएगा, मैं आपको अपने साथ चलें, हम आपसे रब्ते का नंबर नाज़रीन मैं इनसे पूछ लेता हूँ, इंशाल्लाह हम इनसे रब्ते में रहेंगे, हम इनको सिलाई कढ़ाई का काम सिखाएंगे, हम इसको सीधे रस्ते पर ले जाएंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है, कोई मुखय्यर बंदा इनसे शादी करना चाहता है तो मेरे साथ रब्ता करें। नाज़रीन इसके साथ अपने हौसले को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, हम इसको अपनी बहन वाला दर्जा दे रहे हैं, हम इसको अपनी बहन बना रहे हैं, बेटी बना रहे हैं। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ कब तक सड़कों पर रुलती रहेंगी, उनकी इज्जतें पमाल होती रहेंगी। नाज़रीन इसके साथ मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, अगले समय दोबारा देते हैं, अल्लाह हाफिज़।